श्रीमती शकुंतला देवी राजस्थान आई हुई हैं। हाँ आओ माता जी, आओ एक भजन गाओ, फिर हम लोग सुनेंगे औरों के विचार। नीचे करना पड़ेगा धनंजय। हाँ बोलो। बोलिए गुरुदेव जी की जय। समान साधु संतों को सबको मेरा नमस्कार। हाँ बोलो नजदीक आके। देखियो आज हम बड़े खुशी हैं, हम यहाँ आकर पहली दफ़े आए हैं, हमारे पहली दफ़े आना हुआ है यहाँ पर। बहुत यहाँ सब कुछ देख के बाहर का जीवन बदल गया, अंदर का जीवन बदल गया, और हमारे इतनी खुशी मिली है, अनंत खुशी मिली है, इस खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। और देखो पहले इतने दिन से हम कबीरपंथी थे, लेकिन अब हमने अपना निज घर का पता पड़ा है, निज स्वरूप का हमें अब यहाँ आकर के पता पड़ा है। हम उस दिन से भटक रहे थे, बहुत दिन भटकते भटकते कितने जन्म बीत गए, लेकिन हमने अब निज घर का पता पड़ा है कि ये स्वरूप हमारा स्वरूप हमारे अंदर ही विराजमान है। इसको हमको अपने अंदर ही मिलता है, अंदर ही खोजता है, बड़ा बाहर भीतर एक ही स्वरूप है परमात्मा का। और बाहर भी इतनी शांति, अंदर भी इतनी शांति, बहुत शांति। एक भजन है, मन के लगाए पिया पावे साधु, मन के लगाए पिया पावे साधु, इस विधि मन को लगाओ जीवो तो, इस विधि मन को लगाओ जी, जैसे नटनी चढ़ी है बांस पे, जैसे नटनी चढ़ी है बांस पे, नटवा ढोल बजावे जीवो तो, नटवा ढोल बजावे जी, इधर उधर को नजर बचा के, इधर उधर को नजर बचा के, सूरत बांस पे लावे जी वो तो, सूरत बांस पे लावे जी, मन के लगाए पिया पावे साधु, मन के लगाए पिया पावे साधु, इस विधि मन को लगाओ जीवो तो, इस विधि मन को लगाओ जी, जैसे जल भरण चली है पनिहारी, जैसे जल भरण चली है पनिहारी, सखियों से बतड़ावे जीवो तो, सखियों से बतड़ावे जी, सिर पर घड़ा घड़े पर गागर, सिर पर घड़ा घड़े पर गागर, सूरत गागर पे लावे जीवो तो, सूरत गगर पे लावे जी, मन के लगाए पिया पावे साधु, मन के लगाए पिया पावे साधु, इस विधि मन को लाओ जीवो तो, इस विधि मन को लगाओ जी, जैसे बूरा बिखरी रेत में, जैसे बूरा बिखरी रेत में, हाथी के हाथ न आवे जीवो तो, हाथी के हाथ न आवे जी, ऐसा छोटा बन मेरा मनवा, ऐसा छोटा बन मेरा मनवा, चींटी बन जुग जावे जीवो तो,
चींटी बने जुग जावे जी, मन के लगाए पिया पावे साधु, मन के लगाए पिया पावे साधु भाई। इस विधे मन को लगाओ जी वो तो, इस विधे मन को लगाओ जी। जैसे भी जंग चुगे है चुगेरा, जैसे भी जंग चुगे है चुगेरा, मणि ने दूर धरियावे जी वो तो, मणि ने दूर धरियावे जी। चुगे चुगेरा सूरत मणि पे, चुगे चुगेरा सूरत मणि पे, बिष्टे तो प्राण गमावे जी वो तो, बिष्टे तो प्राण गमावे जी। मन के लगाए पिया पावे साधु, मन के लगाए पिया पावे साधु। इस विधे मन को लगाओ जी वो तो, इस विधे मन को लगाओ जी। जैसे सपेरा सांप को पकड़े, जैसे सपेरा सांप को पकड़े, झोली ने दूर धरियावे जी वो तो, झोली ने दूर धरियावे जी। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सुरती में सूरत मिलावे जी वो तो, सुरती में सूरत मिलावे जी। साहेब बंदगी साहेब। बढ़िया, बड़ी निर्भयता से। हाँ माता जी, बहुत बढ़िया लहरा करके निर्भयता से गाई। और अब कुछ विचार सुनते हैं अब। और मैं उन साधकों के लिए कहा था जो पहली बार ध्यान शिविर में आए, उन लोगों के और उनमें से कुछ लोगों के विचार सुनेंगे। पहली बार आए, साधना किए, विचार सुने, कुछ तो लगा होगा कि ये चीज़ ऐसी है, ये बात ऐसी है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ये मैं एक इस ढंग से शुरुआत करूं, यहाँ क्या लगा, कैसे लगा, जो भी। सतगुरुदेव जी, आदरणीय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों और सज्जनों, मेरी ध्यान शिविर की इच्छा बहुत दिनों से थी। मैं अक्सर सोचा करता था कि ध्यान शिविर में जाऊं, और मैं 24 तारीख को अभी ध्यान शिविर में आया। तो ध्यान में बैठने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन झटपटाता रहता है और स्थायी नहीं हो पाता है। जिस चीज़ की साहब जी बात करते हैं उसका अनुभव अभी तो बिल्कुल नहीं होता मुझे, और बार बार जानने का मन करता है कि आखिर क्या है, कैसा है, ये उत्सुकता रहती है अपने अंदर, लेकिन मन स्थायी नहीं होता, इसलिए बड़ी बेचैनी रहती है। इसीलिए पूंज साहब जी से निवेदन है कि थोड़ा इस बात को बताने की कृपा करें। साहिब
बढ़िया, एक सच्चाई अपने अपनी उन्होंने व्यक्त की। और ये सब मन की स्थिति इतनी नाजुक है कि ये जल्दी समझ में हम सबको नहीं आती है, समय लगता है। अच्छी बात है आपने प्रयास किया, जाने समझे, प्रयास भी किए, आगे आप करते रहेंगे स्थिति बनेगी। श्री शिव प्रसाद जी बिहार से आए हैं, श्री शिव प्रसाद जी उपस्थित हैं? श्री शिव प्रसाद जी नहीं है, और कौन है? देव प्रकाश जी छत्तीसगढ़ से आए हैं, देव प्रकाश जी, हाँ आइए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब, हमें मंच में बोलने की आदत नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा सा संकोच हो रहा है बोलने में। मंच के वक्ता नहीं हैं हम, फिर भी अपनी जो उद्गारें हैं ध्यान शिविर के संबंध में मैं कुछ कहना चाहूँगा। साहेब बंदगी साहेब, आदरणीय भक्तजन, संतजन, भक्तमती माताएं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे ध्यान शिविर के संबंध में कुछ फीडबैक के संबंध में साहब के द्वारा आदेशित किया गया है, कुछ बोलने का प्रयास करूंगा मैं। सर्वप्रथम तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि सबका मोबाइल बंद करवा दिया गया, ये बहुत अच्छी बात थी। और मैं उस फ़ोन से लगातार, मेरा फ़ोन आता था जाता था, लेकिन दूसरे दिन ही मैंने जमा कर दिया, आज अभी लिया हूँ मैं मोबाइल को। ये सबसे अच्छी बात है, सब जगह मोबाइल बंद होना चाहिए ऐसे मतलब शिविरों में। तो उससे क्या होता है, मोबाइल में बहुत सारा वाइब्रेशन होता है, गीगाहर्ट्स में फ्रीक्वेंसी उसकी चलती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तरंगों का आना जाना पूरा शरीर उससे जो है मतलब शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसलिए सबसे अच्छी बात है कि मोबाइल का बंद होना। साहब जी प्रवचन में उनके द्वारा कहा गया कि धन्यवाद ज्ञापित करना, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मेरी पत्नी को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने कहा कि मैं ध्यान शिविर में जाना चाहता हूँ तो बोले जाओ, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो स्कूल में मैंने पैदा लिया है, और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ तक आया। वैसे तो एक शिविर सबसे पहले नवापारा राजीव में हुआ था, वहाँ मैंने पहला शिविर अटेंड किया था, लेकिन उस समय मेरी उम्र 32 साल की थी, तो मुझे ज़्यादा अनुभव लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने एक प्लान बनाया, बहुत दिनों से प्लान बनाया रहा था, लेकिन नहीं आ पा रहा था किसी कारणों से। इस बार मन में निश्चय किया और मुझे नवापारा नहीं जाना है, इलाहाबाद आना है। इलाहाबाद इसलिए आना था कि नवापारा के आसपास में हमारी सब रिश्तेदारियां हैं, तो वहां रिश्तेदार मिलेंगे तो उनसे बात होगी तो देख के एक मन में प्रसन्नता हो कि इनसे हालचाल पूछ लें तो और कुछ पूछ लें, इसलिए मैंने इलाहाबाद को चुना, इसलिए मैं यहां आया। उसके बाद में धन्यवाद प्रेषित करूंगा, मैं जिस ट्रेन से आया उस सारनाथ एक्सप्रेस का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि जो सही सलामत यहाँ तक लाया। उसके बाद उसमें जो चलाने वाला पायलट है, लोको पायलट, उसको धन्यवाद देता हूँ कि सुरक्षित तरीके से यहाँ तक पहुँचाया।
उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आया, टांगे वाले को पैसा तो दिया जरूर, लेकिन उसका भी धन्यवाद कि वो यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया। इस तरह से यहाँ आने के बाद ये तो ज्ञापन हो गया व्यवहारिक लोगों की तरफ से। सबसे ज़्यादा यहाँ आने पर अब ध्यान के संबंध में अन्न जहाँ से मिल रहा है, अन्नदाता सुखी भव, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमें समय से भोजन दिए, समय से नाश्ता भोजन जो भी मिला, रहने के लिए जगह मिली। आदरणीय श्री सत्येंद्र साहब जी को जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि रहने की व्यवस्था, आसपास के स्थानों की साफ सफाई, एक मच्छर तक बहुत कम मच्छर का मतलब प्रकोप रहा है कि मच्छर भी यहाँ नहीं था साफ सफाई के कारण, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मन के डॉक्टर तो बहुत होते हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट, लेकिन हमारे मन के डॉक्टर आदरणीय गुरुजन द्वय, उनके द्वारा ध्यान के बारे में बहुत कुछ बताया गया। साहेब का बीच बीच में अंग्रेजी में एटीट्यूड, अंग्रेजी में शब्दों का चयन करके उनको सरल तरीके से ऐसा मतलब बताया गया, उसके कुछ शब्द हैं जो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं कुछ पढ़ना चाहते था। ऑटो सजेशन, उसका व्याख्या नहीं करूँगा, व्याख्या मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। नॉन रजिस्टिव माइंड, पॉजिटिव इंटर एटीट्यूड, इंस्पायर, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। मन में यही हर बार ध्यान लगाते समय हमने कहा आई कैन डू इट। प्रोसेस ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट रिसोल्यूशन ऑफ सोल, एम ऑफ लाइफ, डिजॉल्विंग ऑफ प्राउड एंड सीन, पाप और अहंकार को दूर करना। इफ यूर एम नॉट सेटिस्फाइड, चेंज यूर अप्रोच इमीडिएटली, बहुत अच्छा शब्द है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट हमें मिलेगा, वैसे ही जीवन में हो रहा है, उसका परिणाम एक सामने यहाँ मैंने कहा कि मुस्कुराते हुए उठना है सवेरे, मैंने मुस्कुराते हुए उठा, लोगों को नमस्कार साहेब बंदगी किया, रोज करता था, आज दूसरे लोगों ने मुझे नमस्कार करना, मेरे इस उम्र में बड़े हैं फिर भी मुझे नमस्कार किया, तो मैंने कहा ये परिणाम, साहेब कहा करते थे कि परिणाम आएगा, मैंने उसको फॉलो किया, मतलब उससे मेरे अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी को भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि कोई नमस्कार कर रहा है तो अहंकार में आ जाओ, अहंकार नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मैं जहाँ पे कार्य करता हूँ वहाँ भी मैं अहंकार की बातें अपने जो कलिक्स हैं उनको मैं बताता हूँ कि अहंकार नहीं का पद का अभिमान नहीं करना है मुझे, और आप लोगों की बड़े पद में जाने के बाद अभिमान नहीं करना है, पद तो आता है और जाता है। उसके बाद में साहब ने कहा इनपुट गुड गॉट आउटपुट गुड, इनपुट पॉजिटिव गॉट आउटपुट पॉजिटिव। एक बात उन्होंने और कही CAR मतलब तो कार ही होता है, लेकिन साहब जी ने अपने शब्दों में उसको पिरो के बताया, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द नॉट चेंजेबल, रिमूव फ्रॉम द अनचेंजेबल। और उसके बाद में शरीर हमारा हार्डवेयर है, ये मन जो है उस वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो सबका बराबर है, सबका हार्डवेयर सही है वही है, लेकिन सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग डला हुआ है, तो सॉफ्टवेयर को ठीक करना है, हार्डवेयर सेम रहेगा। तो इन बातों से ध्यान से विकृति तो दूर होती है और मुझे अच्छा लगा, लेकिन साहब जी जब बोलते थे कि 5 मिनट और बैठो, 5 मिनट और करना है, तो वो बड़ा कष्टदायक रहता था, हमें अभ्यास नहीं है इतना कि जो हम बैठ सकें, अभी तो 6 दिन में हम इतना बैठ ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और घर में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसा मेरा है, ये तो साधना काल हुआ था इस करते थे अनुशासन से या फिर उससे, लेकिन व्यवहार काल में भी कोशिश हम करेंगे कि हम उसको निभाते रहेंगे और करेंगे।
मन के डॉक्टर तो बता ही दिया मैंने कि जो है बस यही मेरा अनुभव है साहेब जी। बढ़िया साहेब बंदगी साहेब। कोशिश करेंगे, धन्यवाद। अगले साल हेमाद या सूरत में और जाने का मैं कोशिश करूंगा साहेब जी के सानिध्य में। क्या? सूरत शिविर में। चलो साहेब वेलकम है। देव प्रकाश जी छत्तीसगढ़ से, इनके पिताजी कवि हृदय श्री नीलमणि जी, उनके लड़के हैं बीच वाले, तो आप विचार दिए और निश्चित रूप से अपने सर्विस से भी समय निकाल करके आए, धन्यवाद। और अब श्री रामकरण जी प्रीतम नगर से, जो शुरू से आखिरी तक रहे, आप आए और कुछ विचार रखें। जागी राम जी गुड़गांव वाले हैं, वो तो भजन गाएंगे कि बोलेंगे? बोलेंगे तब तो आना है, नहीं तो बैठे रहना है। आप बैठिए ना अभी, इनके बाद। हाँ ठीक है, इनके बाद आप बैठिए बैठिए। परम परम श्रद्धे गुरुदेव, उपस्थित सभी संतजन, भक्तजन, देवियों एवं सज्जनों, आप सबको मेरा हृदय से नमन। मैं चूंकि प्रीतम नगर में ही रहता हूं, तो मैं जब से रह रहा हूं तब से सुबह सुबह और कुछ नहीं तो कबीर मंदिर से मुझे भजन सुनने को मिलते थे। सुनते 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 फिर मैं एक दो बार चार बार साल में जो है मंदिर में आना शुरू किया, लेकिन मेरा मन हमेशा भटकता था, कहीं मेरा मन लगता नहीं था। अंततो गत्वा जो है मैं ध्यान शिविर में आने का मन बनाया। चूंकि मेरी पृष्ठभूमि एक आलोचनात्मक रही है, मैंने 40 साल जहां सेवा की है वहां मेरा काम ही था सामने वाले की आलोचना करना, उसमें दोष देखना और उसको दोष को बढ़ा चढ़ा करके जो है परिभाषित करना, ये मेरा काम रहा। तो मेरा जीवन टोटली दूसरे के दोष देखते हुए अभी तक का बीता है। और जब मैं ध्यान शिविर में आ रहा था तो भी मेरे मन में अनेकों भ्रांतियां, अनेकों तरह के विचार कि मैं, मुझे ये दोष दिख रहा है, मुझे वो दोष दिख रहा है, ये सारे चूंकि पहले के संस्कार भरे हुए थे, तो ये सब मैं लेकर के आया, तो यहाँ बेमन से आया, पूरी तरीके से तो नहीं आया था, लेकिन जब आकर के यहाँ संतों के बीच में, साधकों के बीच में मैंने अपने को समर्पित किया तो मुझे एक नई दुनिया समझ में आई। और मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है कहाँ भटक रहा था, मुझे सही रास्ता सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह घूम घूम के आलोचना करना, लिखना, ऑडिट का काम। लेकिन आते आते ध्यान शिविर तक आया और आ करके जब मैंने गुरुदेव और संतजनों के प्रवचन यहाँ सुने ध्यान के संबंध में, तब मैं अंदर से झंकृत हो गया और मुझे लगा कि अरे चिराग तले अंधेला, मैं दुनिया दुनिया में ज्ञान और संतों के बीच में घूम रहा हूँ और मेरे ही मोहल्ले में, मेरे ही घर में जो है वो इतना भव्य और विशाल और इतने ऊर्जावान और ज्ञानवान जो संत हैं, मैं उनसे दूर रहा। और ये नहीं, इसके अलावा मैं खुद एक शांत और पवित्र आत्मा
और मुझे ज्ञान नहीं इस बात का, भान नहीं, तो वो तो संत जी साहब जी के प्रवचन से मेरा जो है विराट अवतार जैसे हुआ। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। रह गई बात ध्यान शिविर में, तो ध्यान शिविर में मुझे एक दिन दो दिन तीन दिन तो बहुत कठिनाई हुई, और बैठने में और मन में अनेकों विचार, यह लग रहा था कि यहाँ से चले जाएं तो ऐसे ही है। लेकिन चौथे दिन से मुझे कुछ परिवर्तन महसूस हुआ और थोड़ा थोड़ा कुछ जो है मन में बातें साहब की बताई हुई जो है वो बैठने लगी, समझ में आने लगी और ध्यान में कुछ मन जो है लगने लगा। पांचवें दिन की एक घटना मैं आप लोगों को बताऊं कि आखिरी सत्र था और मेरे ख्याल से वही समापन का समय रहा होगा, तो मुझे कुछ होश नहीं था, मैं ध्यान में लीन था अपने अंदर। इतने में साहब जी ने जो है वो जो मंत्र है अहम शुद्ध ये वाला उच्चारण किया, तो मैं एकदम से मुझे जैसे झटका लगा हो और मेरे मन से एकदम आह निकल गई, यारी मैं चौंक गया। पहली बार मुझे इस बात का आभास हुआ कि मैं जो है अरे मैं ध्यान में था। और फिर मुझे उस दिन रात में बहुत गहरी नींद आई और मैं बहुत शांति का अनुभव किया। तो ये मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा और इसके बाद फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान में मन मेरा रमने लगा है और मैं संतजनों के बीच में रह के और कुछ अभ्यास करके इसे आगे भी बढ़ाने का प्रयास करूँगा। और चूँकि हमारे साहब ने मन पे बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़तम रहस्यों को उद्घाटित किया है, तो मेरी हृदय से इच्छा है कि मैं आप लोगों के समक्ष मन पर ही एक छोटा सा भजन जो मैंने यही कबीर मंदिर से सीखा है सुन करके वो मैं टूटा फूटा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर। कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कि कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, वाणी का सुर संभार लो, वाणी का सुर संभार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कि नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सर्वदी का भार लो बस हो गया भजन, मत सर्वदी का भार लो
बस हो गया भजन, कहना है साफ साफ यह सद्गुरु कबीर का, कि कहना है साफ साफ यह सद्गुरु कबीर का, निज दोष को निहार लो, निज दोष को निहार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। तो अब मुझे जो है इस गीत की, गीत का असली अर्थ मालूम हुआ है जो इसमें आए हुए शब्द हैं। अभी तक तो मैं इसको ऊपर ऊपर ऐसे ही समझता था, लेकिन साहब के बताने से मुझे बड़ा जो है लाभ हुआ, और इसी के साथ मैं साहब जी को और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो है सुना, धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रीतम नगर कॉलोनी से ही आए हुए श्री रामकरण जी अपने मन की बातें बता रहे थे कि मैं कौन सी विचारधारा मन में रखता था और उसमें कैसे परिवर्तन लाया। हाँ जागी राम जी, गुड़गांव वाले आ रहे हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। श्री नरोत, हाँ आ गए, ओके। थोड़ा कम में बोलेंगे आप लोग, और जो बाकी हैं थोड़ा थोड़ा माइक झुका करके थोड़ा भजन गाएंगे, बोलेंगे भजन ना गाना, नीचे कर लीजिए थोड़ा सा। बोलिए परम संत कबीर साहेब की, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, बोल संत समाज की, बोल भक्त समाज की जय। गंगा समान पवित्र मात्र शक्ति की जय। प्यारे प्यारे बच्चों की जय। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं नवाब पटौदी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से आया हूँ। मेरे को यहाँ लाने वाला श्री हुकम चंद भाटिया साहब है। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ जो मुझे नरक से स्वर्ग में ले आए, और मैंने उनसे, उन्होंने मेरे से कहा ऐसे ऐसे वहाँ पर वचन ध्यान शिविर है, आपने चलना है। मैंने अपने अर्धांगनी समेत श्रीमान जी को कह दिया दो मेरी टिकट भी आप रिजर्वेशन करा देना। उन्होंने स्वयं अपनी जेब से पैसे देकर नई दिल्ली से और प्रयागराज एक्सप्रेस में हमारा रिजर्वेशन करा दिया, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तब मैं घर से चलने लगा तो मेरा एक लड़का है जो हरियाणा पुलिस में थानेदार है, मैंने कहा बेटे हम सत्संग में जा रहे हैं और मैं आपकी माँ को भी साथ लेके जा रहा हूँ। वो बोला पापा जितना रिजर्वेशन का पैसा लगा है मैं आपको वापस मैं दे दूंगा, वहाँ तो बहुत फ्लड आ रहा है, बहुत ऐसे दुनिया वो और ये, मगर भाई मैंने जाना है। मेरी माता जी 95 ईयर, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने मेरे आशीर्वाद दिया बेटे आप ऐसे प्रोग्राम में बड़ी खुशी से जाओ। मैंने उनके पैर चुचकारे, मेरी अर्धांगनी मेरे साथ आई है, और अभी तक मैंने ये सुनकर दुख हो रहा है कि अब यहाँ से जाना है, लेकिन मेरा यहाँ से जाने के लिए जी नहीं कर रहा। तो मैं अपनी आदत को बताता हूँ, मैं 82 में इस लाइन में आया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब मुझे जो मिला है 18 तारीख को मैं यहाँ आ गया था शिविर में, और 19-20 से जो मिला है वो मुझे 82 से 37 साल में नहीं मिला, जो मुझे एक हफ्ते में मिला है। और मैं इस स्थान को तो अगर ये महाराज जी जबरदस्ती छुड़वाओगे तो छोड़ दूंगा, नहीं मैं यहाँ सफाई कर्मचारी लगूंगा। धन्यवाद।
बढ़िया, ये निश्चल हृदय जो है साफ। बहुत बहुत धन्यवाद जागीराम जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नरोत्तम जी जो हिमाचल से आए हुए हैं। प्रमोद, आदरणीय सदगुरु कबीर साहेब एवं कबीर वाणी को समर्पित कबीर पार्क संस्थान के इस कबीर आश्रम के कबीर बीजक मंदिर में उपस्थित सभी उपस्थित भाई बहनों गुरुजनों को नमस्कार एवं साहेब बंदगी। मुझे आदेश हुआ था कि मैं कुछ अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूं। पहली जब मैं यहाँ आने के लिए तैयार हुआ तो मुश्किलें तो काफ़ी आ रही थी कि मैं वापस चला जाऊं, क्योंकि विभाग की तरफ से जोर डाला जा रहा था कि आप की छुट्टी रद्द की गई है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मेरी छुट्टी रद्द ना करें, मुझे बड़ी बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है। उसके बाद जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी ट्रेन बहुत लेट हो चुकी थी, 3:30 बजे के बजाय रात को 9:30 बजे पहुँची। तो यहाँ पहुँचा 11 बजे के करीब, तो यहाँ बारिश लगी हुई थी और यहाँ पहुँचते मुझे लगा कि इस मौसम में बारिश की वजह से नहीं, थोड़ी गर्मी भी महसूस हुई जाए यहाँ पहुँचने के बाद, तो मुझे लगा कि शायद कल मैं वापस चला जाऊँ तो कोई समस्या नहीं होगी। कुछ असहनीय जैसा लग रहा था कि मौसम के लिहाज से, तो मुझे एक कमरा बताया गया कि वहाँ पे आप लेट जाइए, कल बात होगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। सुबह यहाँ मैंने सत्र में कोशिश की बैठने की, बैठने में समस्या आ रही थी कुछ, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि क्या समस्या आ रही थी। साथ में मुझे ये कहा गया कि अपना मोबाइल जो है वहाँ पे जमा करवा दें। मैंने सोचा शायद शाम तक मेरा मन वापस जाने का बन जाए तो मैं मोबाइल वापस लेने में दिक्कत आएगी, तो मैंने सोचा मोबाइल कल जमा करवाऊंगा। मैंने मोबाइल जमा नहीं करवाया। तो जैसे तैसे शाम हुई, शाम को मेरा प्रबंध हो गया कहीं सज्जनों के साथ, अपने राजस्थान से आए हुए पगड़ीधारी 3 बंधु हैं उनके साथ मेरा रहने का अच्छा शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पर थोड़ा सा राहत मिली। फिर दूसरे दिन यहाँ बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बैठने में ज़रा दिक्कत आती थी। तो बड़ी समस्या ये थी कि मेरी जो ध्यान की मुद्रा थी वो ही नहीं लग पा रही थी। तीसरे दिन मैं बाहर बैठा तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ध्यान लगा, ये मुझे मालूम नहीं है कि सच में वो ध्यान था या तंद्रा, लेकिन जब मेरा ध्यान टूटा तो मुझे ऐसे लगा जिस तरह से हवाई जहाज जब उतरता है ज़मीन से टकराता है, वैसी जैसी कुछ कंपन सी महसूस हुई। तो मुझे लगा कि शायद ध्यान लगा हुआ गुरुजन हमारा शायद मेरे समाधान करेंगे कि ये तंद्रा थी मेरी या मेरा सच में ही वो मेरे ध्यान ही था। उसके बाद मैंने कुछ लोगों से बात की धीरे धीरे कि ध्यान की मुद्रा में सच में कोई जब होता है तो उसकी क्या पहचान हो सकती है, क्योंकि साहब ने कहा कि ध्यान की मुद्रा में सावधान रहना है, जागृत रहना है। तो जागे जागे तो पता चल ही जाना चाहिए कि मेरा ध्यान ही लगा है या कुछ और है। तो मुझे ऐसा लगा कि ध्यान शायद मेरा लग रहा है। कई सालों के बाद मुझे ये ध्यान शब्द के जो मायने हैं अब समझ में आए हैं। इसके लिए मैं आपका सभी का इनका अब यहाँ सभी गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में यहाँ की जो मैंने व्यवस्था देखी, रहने की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, भोजनालय की व्यवस्था, तीनों वक्त का भोजन, और सबसे बढ़कर यहाँ बैठने के बाद इनके जो हमारे जो उपदेश हमें सुनने को मिले, अमृतवाणी सुनने को मिली, इसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई विशेष शब्द कोश मेरा है भी नहीं। उसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि उत्तम, अति उत्तम, अनुपम, और इस सभी के लिए इनका आभार। महोदय, मैंने बीच में यही कहा कि बैठने में दिक्कत आ रही थी, समस्या आ रही थी,
विशेषकर मुझे ये ऐसा महसूस हुआ निजी तौर पर, वैसे ये मैं आलोचनात्मक रूप से नहीं लेना चाहूँगा, नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है, क्योंकि श्रेष्ठ जन जब भी कोई कार्य करते हैं तो वो अपनी सराहना सुनने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी संतुष्टि बढ़ाने के लिए, उस लेवल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने कहा कि जब आपने संतुष्टि बढ़ानी है, कोई अपनी परीक्षा पास करनी है या किसी क्षेत्र में सफल होना है तो 100% प्रयास करना पड़ेगा। तो 99 तो मुझे नज़र आ गया, उसमें 1% में मैं खुद फेल हो गया। वो यहाँ ऐसा हुआ कि मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि मेरा वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ग्रीवा सही सीध में है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगली बार यदि मुझे मौका मिला तो, या तो जितनी लाइनें लगी होती हैं उनमें कुछ जो साधक हमारे पुराने हैं, जो अनुभवी हैं, वो हमारा चेक कर लें कि हाँ आपका जो है मुद्रा ठीक है, कहीं कमी रह गई है। क्योंकि हमें खुद कोई विश्वास नहीं हो पाता कई बार कि मेरी मुद्रा सही है कि नहीं है, दर्द होने लगता है तो किस तरह से चेंज करना। लेकिन 4-5 दिन के बाद तो खैर मुझे समझ में आने लग गया, लेकिन 4-5 दिन मेरे थोड़े लगता है कि वो शायद थोड़े उसमें वेस्ट भी हुए। तो यदि शुरू के 2 दिन में यदि ये हमें गाइडेंस मिल जाए, आते ही एक एक लाइन में एक साधक कोई रहने जो हैं, जो जानकार हैं, वो हमें चेक कर लें कि हाँ आपकी मुद्रा सही है। जैसे स्कूल में हमारे PTI कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग जो टीचर होता है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे सीधा होना है, सावधान ऐसे खड़े होना है, बैठना ऐसे है। तो वो मुद्रा का सही मुद्रा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यदि हमारी ध्यान की मुद्रा सही नहीं है, सही पोस्चर नहीं है, तो ध्यान लगाने में बाकी समस्या आ सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय। बढ़िया, बहुत सुंदर। और शुरू में आते हैं तो कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये सच है। और उसके बावजूद अनेकों बार मन कहता है कि अब मैं चला जाऊं, लेकिन आप लोगों की धैर्य की प्रशंसा है, रुक जाते हैं अंत तक। और फिर जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, आपको अच्छा लगता है, ये अच्छी बात लगी। एक दिन मेरे मन में हो भी रहा था कि मैं भेजूं किसी के पास। एक दिन धनंजय कर भी रहे थे कुछ लोगों को, तो मेरा मन था कि जो भी सो रहे हैं उनको ठीक करो। फिर तो कई ऐसे लोग सोते हैं जिनको छूने मुझे लगता है करंट ना मार दें। तो मैं डरता खुद था कैसे करूँ। फिर मैंने कहा नहीं अभी, लेकिन कुछ लोग तो हैं जिनको ऐसा करना चाहिए, तो उनके लिए किसी साथी को नियुक्त करने की ज़रूरत तो थी। अब मैं ही मैं उठ के आऊँगा, लेकिन एक बार उठ के जाऊँ फिर आऊँ। कभी कभी ऐसा मैंने किया भी है कि बीच से उठ के गया, ठीक किया, फिर आया। तो ये अच्छी बात है आपका कहना कि लोग क्या है, अभ्यास न होने के नाते शिथिलता आ जाती है, आलस्य हो जाता है, और भी कमजोरियां रहती हैं, तो वो ठीक करना ही चाहिए। सही है, अब फिर थोड़ा सा ज़्यादा जोर भी ज़रूरत नहीं है, बातें बता दी जाती है तो स्वयं अपना आसन का चुनाव करें तो अच्छा है। फिर भी ये अच्छा लगा, आपकी बात अच्छी लगी। अब हो गया।